बेटा जो आपको क्वेश्चंस आने हैं चैप्टर्स के एग्जाम में, चार चार नंबर, दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और चार नंबर का क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली मतलब आपको थॉरो चैप्टर रीड करना पड़ेगा। दो नंबर वाला क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दो क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले इकट्ठे हो सकते हैं, सिंपल दो नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, और चार नंबर का पूरा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कम से कम 70-80 शब्दों में तो लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप दो नंबर का क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 लाइंस में लिखते हैं, तो चार नंबर का क्वेश्चन 10-12 लाइंस तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने चैप्टर्स थॉरो पढ़ने, चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर दो, ठीक है। हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है समृद्धि, इसके हम लास्ट में पहुंचे थे जहां हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वो और उसका छोटा भाई चिट्ठियां डालने के लिए जाते हैं, चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं, और किस तरह से कुएं में जो सांप है उससे मुकाबला करना चाहता है लेखक, और उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसने सोचा विचारा कि इसको मार दिया जाए, लेकिन मार नहीं पाया, डंडा घुमाना चाहता था उसको मारने के लिए, उसका फन दबा देना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और जो सांप था उस पर डंडा मारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया, लेखक के हाथ से सांप का शरीर छू गया, और उस समय उसे बहुत ही ठंडा महसूस हुआ। कैसे उसको ठंडक महसूस होती है, पेज नंबर 16 से पढ़ रहे हैं। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। अगर वो हमला कर देता मर जाता तो बात खत्म होती, लेकिन अगर उसके पास जीवन है, अगर वो जिंदा है, तो कई ढंगों से अपने आप को बचाने के बारे में सोच सकता था। वह दैवी कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। डंडा उसने अपनी ओर खींच लिया था, जब उसने अपनी ओर डंडा खींचा तो दोनों के आसन बदल गए, यानी कि लेखक की जगह पर अब सांप था और सांप की जगह पर लेखक था। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, सांप के बिल्कुल पास पड़े हुए थे ना, दोनों की अब जगह बदल गई, तो उसने झट से उन्हें उठा लिया, चिट्ठियों को धोती के छोर पर बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी, सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था, पहले लिपट गया था ना गुंजल मारकर, अब उसने वो गुंजल का हटा ली थी, खुल गया था, लेकिन अभी भी डंडे पर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, कैसे हो चुकी थी जीत, चिट्ठियां जो थी वो ऊपर पहुंच चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा। उसके दाई ओर उसने मिट्टी फेंकी, उस पर नहीं फेंकी, दाई ओर फेंकी, समझदारी से काम लिया, दाई ओर फेंक दी जिस पर उसने झपट्टा मारा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाई ओर से डंडा खींच लिया। उसके बाई ओर डंडा पड़ा था, दाई ओर मिट्टी फेंकी, वो दाई ओर चला गया और बाई ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, बहुत तेज था, दूसरी ओर भी वार किया, यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे
पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। दीवार पकड़ पकड़ कर 15 से 20 फुट तो चढ़ सकता हूँ, पर बिना पैर लगाए इतना ज्यादा ऊपर जाना मेरे लिए 36 फीट काफी लंबा हो जाता है। हाँ, ट्रिपल स्टोरी डबल स्टोरी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इस यहां से लेकर वहां तक अगर आप लगाते हो पूरा बाहर तो वो 36 फीट हो सकता है, ठीक है। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं, कम ही अधिक नहीं। कहते हैं 15-20 फुट से भी कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। 11 साल का बच्चा, तुमसे भी छोटी उम्र का बच्चा, 11 साल का बच्चा, उसमें अब हिम्मत आ गई थी ऊपर चढ़ने। कहते हैं लेकिन मैं 36 फीट चढ़ गया। बाहें भर गई थी मतलब थक गई थी, बाहों का सहारा लेकर चढ़ रहा था, बाहें भर गई मतलब बहुत ज्यादा थक गई, छाती फूल गई, धोंकनी चल रही थी मतलब सांस लेते ना ऐसे भाग कर आते हैं तो ऐसे जोर जोर से सांस लेते हैं ना, उसमें धोंकनी चलना। धोंकनी पता क्या होती है, कभी चूल्हा जलाते देखा किसी को, वो एक पाइप सी होती है ना, उसे फूंक मारते हैं, उसे कहते हैं धोंकनी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। ब्रिजेश ऑनलाइन। चलिए, यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता है, इसका अनुमान करना कठिन है। वो तो हिम्मत करके चढ़ गया, अगर छूट जाते हाथ तो क्या होता, नीचे गिरता सांप, उसके बाद उसका क्या करता पता नहीं। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झार झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था। किशनपुर का एक लड़का था जिसने लेखक को ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। ब्रिजेश आप 2 IDs से ऑनलाइन हैं, मुझे समझ में नहीं आया 2 IDs से ऑनलाइन कैसे हैं। सिर्फ ब्रिजेश लिखा है और ब्रिजेश 90 लिखा है। मैम वो 2 IDs थी, मैंने अपने फोन से लॉगिन करना था, वो लिंक पे क्लिक हो गया तो मैंने टैब पे भेजा और टैब से ज्वाइन किया, इसलिए दोनों से ज्वाइन हो गया। ओके ओके फाइन। चलिए फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद की मतलब बार बार कहना प्लीज ऐसे मत करना, प्लीज मत बताना, है ना, मतलब बार बार किसी को मेरी बहन बनकर मेरे भाई बनकर प्लीज ऐसा मत करना, कहते हैं ना हम बार बार किसी को कुछ कहना, ताकीद करना कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। किशनपुर का कोई लड़का था, उसे बार बार ये बात कही गई कि तुम किसी को मत बताना कि मैं कुएं से बाहर ऊपर आ रहा था। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। 11 साल का बच्चा मैट्रिकुलेशन, मेरे ख्याल से 15-16 साल का बच्चा मैट्रिक करता है, 14-15 साल का, मतलब 4-5 साल बाद यह घटना माँ को बताई गई कि ऐसा हुआ था और हमने ये किया था। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैना
उसके पंख, डैने के नीचे फेदर्स, अपने पंखों के नीचे जैसे चिड़िया किसी डरे सहमे बच्चे को बिठा लेती, ऐसे ही माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। कितने अच्छे दिन थे वे, उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। राइफल की जरूरत ही नहीं, एक डंडा काफी। इस पाठ में कितनी सारी बातें हमें पता चलती हैं। बड़ों का डर, जी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने अपनी जान पर खेलकर वो काम किया, लेकिन झूठ बोलने को तैयार नहीं था। हाँ, पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जान पर नहीं खेलना चाहिए, सच बता देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी, उस समय का जमाना और था, अब जमाना कुछ और है। हमें इससे ये वैल्यूज मिलती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बता देना चाहिए कि ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। बड़ों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये दिक्कत है, और आप इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं। कल मैं एक सीरियल देख रही थी जिसमें बच्चे झूठ बोलते हैं, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। पैसे निकलवाने के लिए कहा जाता है, चेक गुम हो जाता है, खो जाता है, चेक दिया जाता है बच्चों को निकलवाने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, बच्चे रास्ते में लापरवाह हो जाते हैं और चेक जो है वो उनसे खो जाता है। अब बच्चों को डर इतना ज्यादा है कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। बच्चों ने झूठ बोला, माता पिता को पहले तो पता नहीं चला, लेकिन किसी का फोन आ गया कि जी आपका, उस बैंक अधिकारी का, कि आपका ऐसे ऐसे चेक पड़ा हुआ, मैंने वहां देखा है, हमारे बैंक का चेक है और वहां पड़ा हुआ है, आपके नाम से है, इस अकाउंट से मैंने पता लगाया अकाउंट नंबर से कि आपका अकाउंट है, तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि वो चेक मेरे पास है, किसी को भेज कर मंगवा लीजिए या खुद आ जाइए। बच्चों को इस बात का पता नहीं है कि उन्हें पता चल चुका है, और बच्चे और झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, और अपनी ओर से पैसों का इंतजाम करने में लगे हुए कि हम इधर उधर से पैसों का इंतजाम करके घर में पैसे दे दें। क्या ये ठीक है? नहीं। अगर सच, आगे का उसका भी आज एपिसोड आएगा कि उनके साथ क्या हुआ, फिर मैं शेयर करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात तो ये कि जब हम बड़े हो गए हैं, हम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो हमें उसको ठीक से निभाना चाहिए, क्योंकि हमें हर उम्र के हिसाब से काम दिए जाते हैं। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो आपको किसी दुकान पर नहीं भेजा जाता था कि बेटा जाओ ये लेकर आओ, नहीं भेजा जाता था। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपसे घर के छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं, है ना। जो काम मम्मी के करने वाले या पापा के करने वाले, वो आपसे नहीं करवाए जाते। जो काम आपकी उम्र के हैं, आपको करने चाहिए, आपको आने चाहिए, वो सिखाने के लिए आपको उस काम में डाला जाता है। पहली बात ये कि हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। दूसरी बात, हमसे कोई गलती हो गई है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस झूठ को बोलने के लिए हमें कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ के लिए 100 झूठ बनाने पड़ते हैं, और अगर आप पकड़े जाएं तो और ज्यादा समस्या है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? डांट पड़ेगी। ओके, और ओके, हाँ, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, आपका विश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए झूठ मत बोलो, काम को जिम्मेदारी से करो, सयाने बनना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई गलती हो गई तो उसे मान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस पाठ में किसी को कोई डाउट? नो,
टेंथ क्लास मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक, टेंथ क्लास को मैट्रिक कहते हैं, टेंथ पास आउट करना, टेंथ के एग्जाम्स, टेंथ क्लास जो होती है उसे मैट्रिकुलेशन कहते हैं, मैट्रिक। जैसे जब मैं टेंथ में पढ़ती थी तो मैं कहती थी मैं टेंथ में पढ़ती हूँ, पर मेरे पापा कह रहे थे, कहते थे, लोगों को बताते ये मैट्रिक कर रही है, उस समय मैट्रिक कहते थे। अभी भी मैट्रिकुलेशन लिखा होता है सर्टिफिकेट पर, मेरा जो सर्टिफिकेट है टेंथ क्लास का और उस पर यही लिखा है मैट्रिकुलेशन कि हमने मैट्रिक पास कर ली। हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। आपने कई स्कूलों के नाम सुने होंगे, सीनियर सेकेंडरी, साइंदा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, सीनियर सेकेंडरी प्लस टू तक, ठीक है। चलिए हाँ, पीछे हमने पढ़ा था 8 साल का बच्चा, पीछे उसकी उम्र लिखी हुई थी। एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे ना पार्ट को तो आपको पता चलेगा उसमें लिखा गया, ठीक है। चले आगे, कोई और डाउट पार्ट में? नो, ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज जवाब दें, ठीक से बैठिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? सबने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, डांट ना पड़ जाए, हम पूरा उत्तर लिखेंगे, क्योंकि देखो आपको 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, हमें ये मानकर चलना है कि हर प्रश्न का उत्तर हम कम से कम 2 नंबर का तो लिखेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उत्तर दीजिए। हाँ जी आर्यन, ओके सॉरी, नहीं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आगे ये नहीं पूछा हुआ लेकिन घर जाने पर क्या हुआ, जितना पूछा है उतना उत्तर लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब लेखक बेर तोड़ रहा था तभी गांव के एक आदमी ने आकर बताया कि उसे भाई साहब बुला रहे हैं, इतना सुनते ही लेखक डर गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है या उसने ऐसा क्यों कौन सा कसूर कर दिया है। उसे डर था कि कहीं बेर तोड़ने के कारण घर जाकर डांट ना पड़े, ठीक है, समझ में आया गगन। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? हाँ जी, फन से नहीं, सांप के फुंकारने की आवाज आती थी। ओके, इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखेंगे कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि जब मिट्टी का ढेला कुएं में जाता तो सांप के फुंफकारने की आवाज आती जिसे सुनकर बच्चे मजा लेते और जब उन्हें उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती तो उन्हें अच्छा लगता या वे मिट्टी का ढेला फेंकने की प्रतिध्वनि को सुनना
चाहते थे। ठीक है, जब वे मिट्टी का ढेला उसमें फेंकते तो उन्हें प्रतिध्वनि सुनाई देती जिसे वे हमेशा सुनना चाहते थे। प्रतिध्वनि मैंने बताया था क्या होता है, कौन बताएगा? प्रतिध्वनि, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाँ जी ब्रिजेश, आवाज, कौन सी आवाज? मधुर आवाज। ओके हाँ, जो आवाज गूंजती है, इको करती है, वापस हमें सुनाई देती है, प्रतिध्वनि। जब वो मिट्टी का ढेला उसमें फेंकते थे तो प्रतिध्वनि सुनाई देती थी जिसे वह हमेशा सुनना चाहते थे। और मिट्टी का ढेला फेंके जाने पर सांप के फुंफकारने की आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ओके, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को प्रकट करता है? हाँ जी, ओके और कोई, और कोई नो? ओके, जब लेखक अपने छोटे भाई के साथ चिट्ठियां डाकखाने में डालने जा रहा था, उस समय उनकी उन्होंने एक मिट्टी का ढेला उठाकर कुएं में फेंका, साथ ही उनकी चिट्ठियां भी कुएं में गिर गई। अब उस मिट्टी के ढेले की आवाज या सांप के फुंकारने की आवाज सुनाई दी थी या नहीं दी थी, ये लेखक को नहीं पता। इससे पता चलता है कि लेखक बहुत ज्यादा घबरा गया था, वह निराश था। पेंसिल से लिखना बेटा बुक पर, या कॉपी पे लिखो पेन से, बुक पेन पेन के साथ बुक पर मत लिखना। इससे पता चलता है, कॉपी निकालो, टेक पेज। इससे पता चलता है कि चिट्ठियां गिरने पर लेखक पर जैसे बिजली सी गिर गई थी। वह बुरी तरह घबरा गया था, निराश हो गया था और उसे डर था, अपने होश खो बैठा था। उसे लग रहा था कि अब उसे मार पड़ेगी। इससे पता चलता है कि वह बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, उसका दिल जोर से धड़कने लगा था, जिससे उसकी घबराहट, निराशा और डर साफ दिखाई दे रहे थे। अपने शब्दों में आप लिखिए कुछ भी ठीक से। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लीजा एंड हरमीत, आंसर दीजिए। लीजा एंड हरमीत, नहीं पता आंसर? कोई भी नहीं? ओके, आप में से कोई? किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उसकी चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी, उसने ये फैसला लिया कि मैं कुएं में से चिट्ठियां निकाल लूंगा। ये फैसला उसने क्यों लिया? हाँ, और सारे आंसर ठीक हैं। जो जो बोला है तुम सबने वो ठीक बोला है, लेकिन अब हमें इसे इसका एक उत्तर बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो कीर्तिमा ने बोली कि जिम्मेदारी थी डाकखाने में चिट्ठियां डालने की, उस लाइन से हम शुरू करेंगे। लेखक को बड़े भाई ने चिट्ठियां दी थी जिन्हें उसे डाकखाने में डालना था, और ये चिट्ठियां अगर डाकखाने में ना डाली जाती तो उसे मार पड़ती। सच बोलकर
पिटने का डर था और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उसे पूरा करना ही था। इन्हीं कारणों से उसने चिट्ठियों को कुएं में से निकालने का निर्णय किया। आप सब हैं जी? हाँ, वो मैंने बता दिया कि उसके बड़े भाई ने उसे चिट्ठी, सच बोला तो मार पड़ेगी, झूठ बोलना आता नहीं था, ठीक है, और जिम्मेदारी का बोझ था। जिम्मेदारी का बोझ था इसलिए उसे यह काम करना ही था और उसने यह निर्णय ले लिया कि वह कुएं में से चिट्ठियां निकालेगा। राइट? एनी डाउट? नो? क्लियर? ओके। हमने क्वेश्चन किया है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? क्या कारण थे ऐसे? उसके बड़े भाई ने उसे चिट्ठियां दी थी जिन्हें डाकखाने में डाला जाना चाहिए था, लेकिन चिट्ठियां कुएं में गिर गई। अब कुएं में से चिट्ठियों को निकालने का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर घर जाकर कहता कि चिट्ठियां डाल दी हैं तो ये झूठ होता, और झूठ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी, उसे झूठ बोलना नहीं आता था, और अगर सच बोलता कि कुएं में गिर गई हैं तो उसके लिए उसे मार पड़ती, और जिम्मेदारी का काम सौंपा गया था इसलिए जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे हुए उसे यह काम करना ही था और उसने कुएं में से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। ठीक है, अब देखो मैंने 2-3 बार आंसर बोला और हर बार शब्दावली बदल गई। ठीक है, आपने बहुत बड़ा करके आंसर नहीं लिखना, बात को घुमा फिरा कर एक ही बात बार 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 करके नहीं लिखना। ठीक है, सिंपल सीधे शब्दों में आप अपना उत्तर लिखेंगे, 4 से 5 पंक्तियों में उत्तर खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? हाँ जी, ओके, और डंडा फेंका, ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो जितने क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स ढूंढ कर लेकर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।